प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, आप उस खबर को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये खबर काफी चौंकाने वाली है। आए दिन सामने आती है फ्रॉड की समस्या, चाहे वो ओलेक्स फ्रॉड की समस्या हो या डिजिटल मार्केट की समस्या हो या अमेजोन पे शॉपिंग के परचेस के बाद हरेसमेंट कॉल के जरिए लक्की ड्रॉ जीतने का भी समस्या हो, इसी तरह से फ्रॉड की समस्या आए दिन आ रही है। इंटरनेट का जमाना है, कोई भी कहीं से भी आपको लगा देता है फ़ोन। कितने लोगों को फ्रॉड कॉल, फ्रॉड कंपनियों के जरिए नए नए स्कीम, नए नए तरकीब बताकर आपकी मेहनत की कमाई हुई पैसे बड़ी ही आसानी से आपसे ऐंठ लेती है। ऐसे कंपनियों से आप सावधान रहें। ऐसे कंपनियों से आपको सावधान करने के लिए ये खबर मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल मार्केट में इस देश में कई कंपनियाँ आई हैं जिनका स्कीम 1 लाख का 2 लाख देना था और लोगों के पैसे जमा की और चली गई। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मुमरा व अन्य जगहों पर केजीएन नामक कंपनी खुली और करोड़ों रुपए का फ्रॉड की और फरार हो गई। अब एक कंपनी का नाम और सामने आया है जिसका नाम आतुल फाइनेंस, यानी आतुल फाइनेंस का क्या है रोल, कारनामा क्या है, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आतुल फाइनेंस शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कराती है। दरअसल अतुल नामक कंपनी कई सारी है जो उनके कारोबार अलग पड़ाव पर हैं, अलग ऊंचाई पर हैं, लेकिन उसी नाम से मिलता जुलता नाम एक आतुल फाइनेंस जो पहले गोंडी में खुली, वहां से बंद हुई तो अब घाट के ऊपर में खुली है। लेकिन इस नाम से लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे, काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसलिए हमने बताया अतुल और आतुल में फ़र्क क्या है। जितना आपका अमाउंट होगा उसी हिसाब से 2% आपको देती है, लेकिन 2% देने के बजाय 5 करोड़ के आसपास लोगों के पैसे जमा करके गोंडी से फरार हो गई, ऑफिस बंद हो गई रातों रात। अब जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे वो लोग आतुल फाइनेंस के ओनर बाबा कामले को पिछले 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, तो कोई 1 हफ्ते से ढूंढ रहा है, लेकिन बाबा कामले नहीं मिले और उनकी ऑफिस तो रातों रात बंद हो गई। लेकिन इस बीच घाट के ऊपर में आतुल फाइनेंस के नाम से एक दूसरी ब्रांच खुली, दूसरा ब्रांच जो उनके भाई जो है जिनका नाम अमूल कामले है, उन्होंने जो है दूसरी ब्रांच खोली, यानी कल उन्होंने ओपनिंग किया, जिसके बाद लगभग 25 से 30 लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, जो गोंडी में ऑफिस आतुल फाइनेंस के नाम से खुली थी, वो लोग वहां पर पहुंचे। और वहां पर उनका पहुंचने का मकसद यही था कि जिन हमारे साथ आज फ्रॉड हुआ है कल किसी और के साथ होगा, इसी वजह से उन्होंने वहां से एक वीडियो वायरल की। वो लोग पहले अलग अलग पुलिस स्टेशन में यानी कुरला में इसकी शिकायत की, तो कोई घाट के ऊपर गोंडी में इसकी शिकायत की, और कल घाट के ऊपर ऑफिस में जाकर एक मुहिम छेड़ा, अतुल फाइनेंस हमारे पैसे जमा कराई और रातों रात ऑफिस बंद करके चली गई, तो हमारे साथ ये घटना घटी है और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो इसके लिए ओपनिंग के दिन ही सभी लोगों ने ऑफिस में पहुंचकर एक वीडियो बनाया, ताकि लोग ऐसे कंपनियों से जागरूक हो सके, इनके झांसे में ना आए। सुनिए इनकी दास्तान क्या है। आज हम सब लोग जमा हुए एक ऐसे फ्रॉड का जागरूक करने के लिए, चूंकि आए दिन मोदी साहब बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन जब लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं। आज के जो इश्यूज है, जिस तरीके से शेयर मार्केट पे लोग पैसा लगाते हैं और उनको बेवकूफ बना के जिस तरीके से फ्रॉड किया जाता है, उस बारे में, जिसका नाम अतुल फाइनेंस कंपनी है। ये हमारे सारे चैनल पार्टनर्स यहाँ आए हुए हैं, ये पिछले 2 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं और पुलिस कंप्लेंट डाले, प्रशासन और शासन कोई कंप्लेंट्स, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इनका और हौसला बढ़ते जा रहा है। ये जो अतुल फाइनेंस कंपनी है, ये एक्चुअल शेयर मार्केट में लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराती है और बड़े बड़े क्लाइंट्स को ढूंढती है और बाद में ऑफिसेज बंद करके भाग जाती है। इस तरीके से आज हमें पता चला, पहले इनका जो ऑफिस था गोवंडी में, ऑफिस था गोवंडी में, ऑफिस बंद करके वहां पे फ्रॉड 5 करोड़ का करने के बाद इन्होंने घाट को पर में यह अपना ऑफिस डाले हमारे पैसे से, और जब भी हम इनके ऑनर से मिलने की कोशिश करते हैं वो हमें मिलते नहीं है। तो हम यहाँ आने का मकसद ये है कि ये जो फ्रॉड हुआ है इसको जागरूक करना है, और आने वाले जो भी क्लाइंट है वो होशियार हो जाए कि ऐसी कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें जिससे उनका पैसा डूब जाए और उनको जद्दोजहद करना पड़े। और हम लोग यहाँ जो घटकोपर के ऑफिस में आए हुए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं हम,
क्योंकि हमारा फ्रॉड ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के ऊपर हुआ है और सब ये अलग अलग जुडिशियल से बन गए। इन्होंने कंप्लेन डाला है, जिस तरीके से इनका कहना है कि शासन प्रशासन ने कंप्लेन किया है लेकिन कंप्लेन पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस तरीके से अगर फ्रॉड को बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिनों में हमारे जैसे और भी कई लोग फंस सकते हैं। तो हम प्रशासन से और पुलिस महकमे से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और ऐसे लीगल एक्शन लें। ऐसे फ्रॉड कंपनी जो कि रजिस्टर्स भी नहीं है और लोगों को पैसा कलेक्ट कर रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डालें। तो आपने सुना, ये डिजिटल मार्केट की नए तरीके के तहत लोग इनके चपेट में कैसे आते हैं नए नए स्कीमों के जरिए। मैं खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ, खासकर आप लोग किसी के बहकावे में पैसे डबल करने के लालच में ना पड़े और खासकर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद जांच करें। पहले आप जांच करते नहीं हैं और जब आपका पैसा डूब जाता है तब आप शोर मचाने लगते हो और पुलिस की सहारे की बात करते हो। लेकिन जिन लोगों का पैसा गोंडी के शिवम इंडस्ट्रियल निखन टावर में आतुर फाइनेंस में फंसा है, पुलिस को इसकी शिकायत लोगों ने की है लेकिन पुलिस अब तक क्या सही क्या झूठ इसका पर्दाफाश नहीं की है। मामले को इनके खिलाफ दर्ज नहीं की है लेकिन जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, पहले तो इनकी मांग है आतुल फाइनेंस के ओनर पर मामला दर्ज हो और दूसरा ऐसे फ्रॉड कंपनी से लोग सावधान रहे। और इस विषय में अगर अतुल फाइनेंस को अपनी बात रखनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकती है, हम उनकी भी बात रखेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।